गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने ऋतुराज जी द्वारा लिखित कन्यादान नामक कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको इस कविता के विषय में बता दूं कि यह कविता स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता को प्रकट करती है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। यह कविता कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ अपनी भोली भाली, निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति संचेत करती है। ठीक है, सचेत करती है। अब आइए इस कविता को पहले पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रामाणिक मतलब होता है सच्चा या वास्तविक, वक्त का मतलब समय, पूंजी का मतलब होता है धन, और सयानी का मतलब होता है समझदार, आभास का मतलब होता है महसूस करना या प्रतीत होना, बांचना मतलब कहना, पढ़ना या समझना, पाठी का मतलब पढ़ने वाली, और धुंधला का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जो ठीक से दिखाई न दे रहा हो, लयबद्ध मतलब लय से भरी हुई। अब इस कविता का अर्थ देखते हैं। इस कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप को दिखाकर उससे हटकर सीख दे रही है। इसमें कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के जो संचित अनुभव हैं, जो उन्होंने सीखा है, उसकी पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया, तो उसे लगा कि वह उसकी अंतिम पूंजी है और वह किसी को सौंप रही है। अब देखते हैं, उस समय उसका दुख कितना स्वाभाविक था, प्रामाणिक था यानी स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती थी। माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी, उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी, वह भोली थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता और भोलापन था कि सुख क्या होता है यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं यह उसे नहीं पता था, यानी दुख बांचना उसे नहीं आता था। वह तुको और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। कहने का ये मतलब कि उसे विवाह के सुरीले और मोहक पक्ष का तो पता था, लेकिन वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। उससे होने वाले जो नुकसान थे, या कह लीजिए उसमें आने वाली जो परिस्थितियां थी, जो कठिन परिस्थितियां थीं, उनसे उसे कोई सारोकार नहीं था, यानी उसे कोई भी उस बात का अनुभव नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। रीझना मतलब प्रसन्न होना, आभूषण गहने। शाब्दिक भ्रम का मतलब होता है शब्दों का भ्रम या शब्दों द्वारा फैलाया गया संदेह, और बंधन का मतलब होता है बेड़ियां या रुकावटें। अब देखिए, कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कह रही है कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होना, यानी रीझना मत, साथ ही आग से भी सावधान रहना,
जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का कार्य भी करती है। अतः अपने जीवन के प्रति सदैव सचेत रहना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई भी अवगत कराती है और कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह है जो स्नेह का प्रेम का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत जाना बन जाना। लाइन लिखिए ना, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, यानी कोमल मत दिखाई देना। अब वो कह रही हैं कि तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले जो अत्याचार एवं शोषण है उसका साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को यो सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो इस तरह से देखिए, माँ ने अच्छी सी सीख दी अपनी बेटी को, और इस कन्यादान नामक कविता से हमें भी यह सीख मिली कि हमें अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना है, उसे सहते नहीं जाना है। अब आपको इस कविता को घर पर और अच्छे से दोहराना है। धन्यवाद।